35 लाख से लेकर 50 लाख तक का जो है सचिवालय का पद बिका है। तो जब सचिवालय का पद 4648 रुपए ग्रेड का पद जब वो जो है 35 से 50 लाख में बिक सकता है, तो एसडीएम का पद तो 2-2 करोड़ रुपए में बिकेगा। ये चौथी बार है जब पेपर कैंसिल हो रहा है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब रिकॉर्ड बना रहे हैं, वैसे झारखंड में भी रिकॉर्ड बन रहा है। चारों बार बच्चों ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद टिकट कटाए होंगे, तैयारी की होंगे, कहीं कोचिंग में पैसा दिए होंगे, मेहनत किए होंगे, और उसके बाद उन लड़कों का पूरा कैरियर जीरो। पैसों का एक एक रुपए का हिसाब कौन देगा? झारखंड सरकार देगी, झारखंड सचिवालय के जो है बिहार जो झारखंड एसएससी के जो चेयरमैन देंगे, कौन देगा इसका भी तो होना चाहिए ना। मार्च अप्रैल में तो चुनाव ही होगा, उसके लिए पूरी प्रक्रिया चलेगी, और फिर जो है मई में पूरा जो है रिजल्ट आएगा, तो मई तक तो कोई संभावना ही नहीं। झारखंड एक अनस्टेबल जो है मतलब राज्य की तरह हो गया है। उस राज्य को हमने देखा है, कई बार हम लोग वहाँ पे गए हैं, बहुत सारे रिलेटिव भी रहते हैं जो हम जाते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूँ आदेश पुरी। अंततः जेएसएससी को अपना परीक्षा रद्द करना ही पड़ा। आपको बता दें, दो पालियों में 2017 पदों पर सचिवालय सहायक की परीक्षा, काफी महत्वपूर्ण सीटें थी, परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 4 फरवरी को दूसरा जो इसका 2 दिनों में परीक्षा होना था, 28 जनवरी को पहला दिन था और अब 4 फरवरी को दूसरा दिन, तो 4 फरवरी के होने वाले परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया और 28 तारीख की भी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। आपको हम बता दें कि इससे पहले भी 3 बार सचिवालय सहायक की परीक्षा जो है पिछले 9 सालों में रद्द किए जा चुके हैं, पूरा ही नहीं हो पाया। आपको बताएं कि विपक्षी दल भाजपा का कहना है कि सीटों को बेचा गया, दलालों के माध्यम से 35 लाख से 50 लाख के बीच में सीटों को बेचा गया है, और अगर भाजपा की सरकार रहती तो जेएसएससी के चेयरमैन अभी जेल में होते और सीबीआई से मामले की जांच कराई जाती। हमारे साथ हैं रमांशु सर, सर से ही बात करेंगे। सर, ये चौथी बार हुआ कि सर ये जेएसएससी का जो परीक्षा जो है वो पूरा नहीं हो पाया, अभी आज के डेट में तो पूरा नहीं हो पाया, 4 फरवरी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। देखिए, अब जैसे आपने बताया ना कि ये पेपर जो है परीक्षा जो है 2015, फिर 2019, फिर 2021 और फिर ये 2023 में निकला था, 2024 में होना था। ये चौथी बार है जब पेपर कैंसिल हो रहा है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब रिकॉर्ड बना रहे हैं, वैसे झारखंड में भी रिकॉर्ड बन रहा है। अच्छा, अब देखिए, ये बड़ा अच्छा काम हो कि पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन 9 साल से पेपर नहीं हो पा रहा है तो आखिर इस समस्या का समाधान तो अब निकलना चाहिए ना। एक तरफ विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई इतना पैसा लिया गया, उतना पैसा लगा है, तो आप भी तो आरोप लग सकता है कि आपके कार्यकाल में क्या परीक्षा को आपने कंप्लीट कराया, और जो लोग भी पकड़े गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। बात ये नहीं, अब देखिए, चारों बार बच्चों ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद टिकट कटाए होंगे, तैयारी की होंगे, कहीं कोचिंग में पैसा दिए होंगे, मेहनत किए होंगे, और उसके बाद उन लड़कों का पूरा कैरियर जीरो। जो लड़के अभी टिकट कराए होंगे, लाखों बच्चे, वो सब अपना टिकट अब कैंसिल कराएंगे, कितना उनको तनाव से गुजरना पड़ेगा, उसमें काफी पैसा उनका कटेगा और काफी समस्याओं का सामना करेंगे, और जो लड़के आए गए वो कितना पैसा उनका बर्बाद होगा। इन पैसों का एक एक रुपए का हिसाब कौन देगा? झारखंड सरकार देगी, झारखंड सचिवालय के जो है बिहार जो झारखंड एसएससी के जो चेयरमैन देंगे, कौन देगा इसका भी तो होना चाहिए ना। बच्चों के हित में कहीं कोई सोचने को तैयार ही नहीं। तो मुझे लगता है कि पेपर कैंसिल हुआ, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन भविष्य में पेपर ईमानदारी से हो जाए ये भी तो सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगर ये सुनिश्चित करना पड़ेगा तभी जाके हम लोग का प्रयास सफल होगा, वरना फिर आगे कोई भी फायदा नहीं दिख रहा है। सर, क्या लग रहा है, सर कार्रवाई कुछ होगा या फिर जिस तरह पहले लिपापोती होता था उसी तरह होकर रह जाएगा? देखिए, कार्रवाई क्या होगा, देखिए झारखंड में भी सरकार का पोजीशन देख ही रहे हैं कि वहां मुख्यमंत्री 48 घंटे से गायब हैं, फिर आए तो फिर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो गई। मतलब राजनीतिक अस्थिरता इतनी ज्यादा है कि बच्चों के भविष्य के बारे में सोच कौन रहा है। सारे के सारे देखिए, नो डाउट में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन अपराधों में एक बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट शामिल होते हैं, बच्चों को बहकाते हैं, बच्चों को फुसलाते हैं, बहुत सारे नेता शामिल होते हैं, बहुत सारे अधिकारी सब तो शामिल होते हैं ना। जो भी पकड़ा जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बहुत सारे संस्थानों का यही उद्देश्य हो गया कि बच्चों को कैसे बरगलाया जाए। अभी देखिए, रेलवे के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो कोई भी ये सोचने वाला नहीं है कि बच्चों के हित में क्या हो सकता है। बच्चों के हित के लिए काम करो, कोई करने को तैयार नहीं इसमें। तो इसे मुझे लगता है कि तो पेपर जो है कैंसिल हुआ है, इसके आगे तो बताइए। देखिए, कल ही आपात हो रही थी कि क्या ये लोकसभा के बाद होगा, तो देखिए अब लोकसभा के बाद वाली संभावना भी बन पा रही है कि नहीं बन पा रही। लोकसभा के बाद भी सर समय लग सकता है। देखिए, अब ये पेपर कैंसिल हो गया, अब फिर इनको जो है इतने बच्चों को सेंटर के पूरा सेंटर अरेंज करना होगा। मार्च में तो सर लोकसभा का चुनाव, फरवरी में
ये बोर्ड का एग्जाम शुरू हो जाएगा, उसमें तो फिर संभावना कम ही लगती। नहीं, अब ये अभी नहीं हो पाएगा, अब खत्म, ये खत्म, जनवरी लास्ट हो गया ना, अब फरवरी हो गया ना, तो अब तो नहीं होगा, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी होने वाली है अब जो चुनाव का, तो चुनाव जो है मार्च अप्रैल में तो चुनाव ही होगा, उसके लिए पूरी प्रक्रिया चलेगी, और फिर जो है मई में पूरा जो है रिजल्ट आएगा, तो मई तक तो कोई संभावना ही नहीं है। अब उसके बाद जब ये बोर्ड बैठेगी, बैठने के बाद उसको उतना सेंटर मिलेगा, तब तो डिसाइड हो पाएगा, तो मुझे लगता है कि फिर हो सकता है कि दो महीना और आगे खींच जाए। सर एक चीज और है सर, कि चलिए मानिए जो सेटिंग करने वाले हैं क्वेश्चन निकलवा लेते हैं, रट लेते हैं, वायरल कैसे हो जाता है सर, वायरल क्यों करा देते हैं सर, कि एग्जाम ही खत्म हो जाए? देखिए दरअसल क्या होता है ना, दो दो पक्ष है, एक पक्ष जिसको पेपर मिला, दूसरा पेपर, दूसरा पक्ष जिसको पेपर नहीं मिला, है तो दोनों बेमान, बेमान दोनों है, एक को मिल गया दूसरे को नहीं मिला, तो एक को जब मिल जाता है तो दूसरा उसको पछता नहीं कि उसको कैसे मिल गया, तो उसको कहीं ना कहीं सोर्स से जहां मिलेगा बस वो वायरल कर देगा, तो वायरल करने वाले भी ईमानदार लोग नहीं, तो वो भी बेमान है। अच्छा जो खरीदने वाले हैं वो लोग भी सोचते हैं कि पैसा कुछ और कमा ले कुछ और लोग को देकर, और लास्ट टाइम में सुनते हैं कि 200-200 रुपए तक बिकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि पेपर जो है आउट हो रहा है तो जानकारी हो जा रही है, ताकि लोग जो चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं और जो पैसे से पेपर खरीदते हैं उनके साथ तो कम से कम गलत हो रहा है। जिस दिन वो जागरूक हो जाएंगे कि हमको पेपर के लिए एक भी रुपया नहीं देना है, तो उस दिन से पेपर आउट होना ही बंद हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा होता है जब पेपर आउट होके वायरल होता है, तो बहुत अच्छी चीज है उन चोर बेमानों के लिए, जो चोरी बेमानी से नौकरी पाना चाहते हैं और मेहनत वाले बच्चों को, गरीब घर के बच्चों को नौकरी से बाहर करते हैं। सर अभी तक जो है वो झारखंड में पेपर लीक हुआ, बिहार में भी होता है तो ईओयू को दिया जाता है, बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन सर झारखंड में हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं कि कोई बड़ी एजेंसी को दिया जाए जांच करने के लिए, और जो भी गुनाहगार हैं, हालांकि बिहार में भी कहा जाता है कि बड़े लोग नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन तब भी छोटे लोग को कम से कम पकड़ा जाता है, वहां से ऐसी खबरें ही नहीं आती है सर। देखिए झारखंड एक अनस्टेबल जो है मतलब राज्य की तरह हो गया, उस राज्य को हमने देखा है कई बार, हम लोग वहां पे गए हैं, बहुत सारे रिलेटिव भी रहते हैं, जो लोग जाते रहते हैं, जिस हिसाब से झारखंड को आगे बढ़ना चाहिए था 20-25 साल में नहीं हो पाया, तो वहां अभी तक व्यवस्था बनी नहीं पाई है। जब हम हमारे साथ बिहार, जब जिस राज्य, जिस समय विभाजन हुआ था ना, जो स्थिति उस समय थी उसकी स्थिति अभी तक उस शिक्षा क्षेत्र में बनी हुई है, जबकि झारखंड में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है लेकिन प्राइवेट स्कूल है, सरकारी में ऐसा नहीं, इसलिए व्यवस्था न बन पाने के कारण वहां पे ये सारी चीजें बनी हुई। और जहां तक ईओयू की बात हुई, तो चूंकि यहाँ पे कई बार ऐसा काम हो गया, अधिकारी एक्टिव हो गए, नेता एक्टिव हो गए, बहुत सारे छात्र संगठन एक्टिव हो गए, तो ये चीजें ईओयू को सौंपी जाने लगी, लेकिन वहां पे मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई संगठन या वहाँ के नेता या वहाँ के अधिकारी इस तरह एक्टिव हो कि इस प्रकार काम हो सके। जब यहाँ की तरह वहां भी होने लगेगा तो निश्चित रूप से आर्थिक अपराध शाखा जो है इन लोगों को पकड़ना शुरू करेगी, और फिर उनपे कार्रवाई होगा तो धीरे धीरे रुकने की संभावना बढ़ जाएगी। सर क्या लगता है सर परीक्षा के बारे में, एक और चीज सर की जेपीएससी ने भी सर अपना नोटिफिकेशन, अभी हम लोग इस पर चर्चा किए थे सर, 207 एसडीएम का सीट है सर और 35 डीएसपी का, सर क्या लगता है ये परीक्षा भी जिस तरह जेपीएससी बदनाम रहा है, क्या ये भी इसमें भी कुछ गड़बड़ होगा या सही से हो जाएगा, कुछ शिक्षा लेगा कुछ आयोग जो है? देखिए मैं लिख के दे रहा हूँ, ये परीक्षा 18 मार्च को नहीं होने वाली, 100% 17 मार्च को जो होनी है नहीं हो पाएगी। न होने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक कारण पेपर का आउट होना भी, जैसे कोई मान ली विपक्ष आरोप लगा रही है ना कि 35 लाख से लेकर 50 लाख तक का जो है सचिवालय का पद बिका है, तो जब सचिवालय का पद 4600-4800 रुपये ग्रेड का पद जब वो जो है 35 से 50 लाख में बिक सकता है, तो एसडीएम का पद तो 2-2 करोड़ रुपए में बिकेगा, और बिकेगा फिर पेपर भी उसका आउट होगा, और आउट होगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए मुझे 18 मार्च के भी 17 मार्च के भी पेपर होने की संभावना बहुत ही कम लग रही है। सर आयोग की संलिप्तता पर सर कहां तक कहते हैं, बिना आयोग के किसी के मिले हुए, चाहे जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, क्या भीतर का कोई मिला होगा तभी ऐसा हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए कहा जाता है ना कि घर का भेदी लंका ढाई, तो जब तक घर में कोई भेद नहीं बताने वाला होता तब तक लंका नहीं गिर सकती, तो इस तरह के पेपर अगर आउट होते हैं तो निश्चित रूप से जो है उस बोर्ड में उसमें कोई ना कोई मेंबर, कोई ना कोई ऐसा सदस्य है जो ये काम कर रहा है और करवा रहा है, और उसको कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक सह भी मिल रही है, क्योंकि उसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो निश्चित रूप से अगर मिला होगा तभी ऐसा हो रहा, वरना बाहर की किसी की औकात नहीं है कि ये काम कर दे। तो रमांशु सर थे, उनका साफ कहना है कि भाई आयोग से अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है, परीक्षाएं आप 3-3-4-4 बार रद्द कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर झांके, हो सकता है कि वहीं से कोई गड़बड़ करने वाला हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड के हर एक बोर्ड में आयोग में ये रोग लग चुका है, एग्जामिनेशन जो है बिना विवाद के, पेपर लीक के, धांधली के खत्म नहीं हो पाता है, और ऐसे में चैलेंज है कि जेपीएससी का जो भी परीक्षा होने वाला है, जो अभी तक देखा जाए तो सबसे अहम पदों के लिए, सबसे ज्यादा अहम पदों के लिए होने वाला है, क्या वो भी किसी गड़बड़ी के बिना हो पाएगा?
आपको बताएं कि जेएसएससी के 4 फरवरी को होने वाले परीक्षा को रद्द कर दिया गया और पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो कहे तो लगातार चौथी ये सचिवालय सहायक की परीक्षा जो है जो शुरू तो हुई लेकिन खत्म नहीं हो सकी, और इसके बीच में पीस रहे हैं झारखंड के युवा, आसपास के राज्यों के युवा जो कि इसी परीक्षा के भरोसे कितने वर्षों से तैयारी कर रहे थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।